हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर साइंस क्लास। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू लेसन नंबर 5, फूड एंड डाइजेशन। फूड एंड डाइजेशन, ओके, फूड क्या होता है और डाइजेशन क्या होता है। सो लेसन का ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं, क्या क्या सीखेंगे हम इस लेसन के अंदर। सो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन फूड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्क्राइब करना है कि फूड से हमें कौन कौन से डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन मिलते हैं उनके बारे में। देन नेक्स्ट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे हम। आइडेंटिफाई द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शन। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे और उनके फंक्शंस को जानेंगे। एंड देन एक्सप्लेन द थिंग विच आर हेल्पफुल विल कुकिंग, और कुछ ऐसी थिंग्स जो हमें हेल्प करेगी कुकिंग में उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। सो नाउ कम टू द वार्म अप। देखिए, अनस्क्रैम्बल द अलर्ट लेटर टू फाइंड द करेक्ट नेम ऑफ द फूड आइटम। आपको थोड़ा सा अनस्क्रैम्बल करके दिए हैं लेटर, स्क्रैम्बल करके दिए हैं, आप उनको अनस्क्रैम्बल करिए और करेक्ट नेम बताइए उस फूड आइटम का, ठीक है। सो आप पिक्चर देखकर ही बता सकते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट आइटम है चीज़, नेक्स्ट आइटम है मिल्क, और नेक्स्ट है चिकन, उसके बाद में एग्स हैं, एंड देन केक, और लास्ट इज बटर। इज अ वेरी सिंपल, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में खुद से कर लीजिएगा इसको, गेट इट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। फूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिविंग बींग। फूड जो है वो क्या है, बहुत ही आवश्यक और इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिविंग बींग्स। जो लोग जी रहे हैं तो उन्हें खाने की आवश्यकता होगी ऑब्वियसली। सो फूड गिव एज अ एनर्जी टू डू वर्क। फूड जो है वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं कोई भी वर्क करने के लिए। जैसे अब हम जब हम काम कर रहे हैं तो हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी, फूड से। अगर हम कुछ खाएंगे तभी तो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी रहेगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्रॉपर खाना भी पड़ेगा, तभी आपका दिमाग चलेगा, गेट इट। सो इट कंटेन न्यूट्रिशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द बॉडी। तो फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिशमेंट देते हैं, पोषकता देते हैं। एग्जाम्पल आर व्हीट, राइस, एग एंड प्लस। जैसे कि गेहूँ है, चावल है, अंडे हैं, दालें हैं, ये सब हम खाते हैं एज अ फूड, ओके। न्यूट्रिएंट इन फूड, अब फूड में न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। सो वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हम अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, क्यों, ताकि हम हेल्दी रह सकें। जैसे कि हम फ्रूट्स भी खाते हैं, वेजिटेबल भी खाते हैं, एंड देन हम एनिमल प्रोडक्ट लाइक एग, मिल्क, ये सब भी खाते हैं। फूड हेल्प अस टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी लाइक प्लेइंग एंड रीडिंग। अगर हम प्रॉपर फूड लेंगे, अच्छी बैलेंस डाइट लेंगे, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे, और जब हम हेल्दी रहेंगे तभी क्या कर पाएंगे, हम अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि आप लोग खेलते हो, पढ़ते हो, ठीक है। वैसे ही अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अगर अपना वर्क कर रहे हैं तो वो तभी कर पाएंगे ना, जब वो प्रॉपर फूड वगैरह इंटेक करेंगे, उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी। सो फूड कंटेंट सब्सटेंस विच आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। फूड में क्या होता है जो हमें एनर्जी देता है, तो फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। दीज सब्सटेंस नरिश आवर बॉडी, और यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारी बॉडी को क्या करते हैं, नरिश करते हैं, हेल्दी रखते हैं। देर आर मेनली 5 टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस विच आर प्रेजेंट इन द फूड आइटम, ठीक है। ये जो 5 आइटम दे रखे हैं वो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं मेनली। फॉर फर्स्ट है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, एंड ये मेनली 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर द प्रेजेंट इन आवर फूड, ठीक है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स। अब एक एक करके वन बाय वन हम इन सबको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, दिस आर रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। प्रोटीन क्या हेल्प में करता है हमारी, किस चीज में, हमारी बॉडी को ग्रो करने में। सो प्रोटीन है जो वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को ग्रो करने में। दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। साथ ही साथ वो हमारी बॉडी पार्ट्स, जब कई बार हम डैमेज हो जाता है, टिश्यूज हैं, तो उनको वापस रिपेयर भी कौन करता है, प्रोटीन। एग, मिल्क, पल्सेस, फिश एंड मीट आर द सब्सटेंस विच आर रिच इन प्रोटीन, ठीक है। अब कौन से ऐसे सोर्सेस जहाँ से हमें प्रोटीन मिलेगा, सो अंडे हैं, दूध हैं, दालें हैं, मछली है, मीट हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। साथ ही साथ प्रोटीन को हम एक और किस नाम से जानते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करता है। ओके, नेक्स्ट इज फैट। फैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे हैव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फैट जो है उसके अंदर एनर्जी होती है,
एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो है वो भी हमें एनर्जी ही रहता है, बट फैट के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग कम्पेयर टू ज़्यादा एनर्जी है। एग्जाम्पल आर बटर, घी एंड ऑयल, ठीक है। एग्जाम्पल्स जैसे कि जिनसे हमें फैट मिलता है वो कौन कौन से सब्सटेंस है, घी, ऑयल, बटर एट्सेट्रा। वी नीड लेजर अमाउंट ऑफ फैट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। पर हमें अपने फूड में जो है वो फैट की कितनी मात्रा रखनी, थोड़ी कम ही रखनी है, ठीक है। नॉर्मल अगर हम आप लोग फैट यूज़ लेते हो, कंटेन करते हो, तो वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट कैन लीड टू वेट गेन और ओबेसिटी। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फैट कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी का वेट जो है वो बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ मोटापा जैसी समस्याएं, बीमारियां जो है वो हो सकती है। दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। फैट को हम नॉर्मली और दूसरे नाम से जानते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो प्रोवाइडेड एज एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो भी हमें एनर्जी ही देते हैं। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ वर्क नीड गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज अ फार्मर, स्पोर्ट पर्सन एंड लेबर्स। ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कि किसान हैं, स्पोर्ट पर्सन हैं, मजदूर हैं, उन लोगों का ज़्यादा काम करना होता है तो उनको ज़्यादा एनर्जी की भी नीड होती है। सो दैट्स वाई दे आर कंज्यूम लाइक कार्बोहाइड्रेट फूड। फूड आइटम लाइक वेजिटेबल, पोटेटोज एंड पीरल्स लाइक राइस, वीट एंड कॉर्न कंटेन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऐसे फूड जैसे कि जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो पोटेटोज हैं, आलू हैं, उनसे हमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। वहीं अगर हम केरल्स की बात करें तो चावल है, गेहूं है, मक्का है, इनसे भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रिशन इज विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट विथ डिसीज। विटामिन जो है वो हमारी बॉडी की हेल्प करता है जब कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तो उनसे लड़ने में, ठीक है, उनसे हमारी बॉडी को वापस रिकवर करने में। मिनरल आर रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, बोन्स एंड टीथ। मिनरल्स हम रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, हमारी बॉडी के अंदर खून को बनाने में, ब्लड को बनाने में, साथ ही साथ बोन्स और टीथ को भी वो हेल्दी रखते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट, मिल्क, एग आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। वेजिटेबल जैसे कि हरी सब्जियाँ हो गई, फल हो गए, दूध, अंडे, ये जो हैं वो विटामिन और मिनरल्स के प्राइमरी सोर्सेस हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव फूड, और इनको हम एक और किस नाम से जानते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के एग्जाम्पल हो गए क्या, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन। बोन्स एंड टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो जो हमारी हड्डियाँ हैं, दांत हैं, वो किससे बनते हैं, कैल्शियम से। सो हम बोलते हैं ना, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, और कैल्शियम की कमी कब नहीं होगी, जब आप लोग प्रॉपर मिल्क पियोगे। मिल्क से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। रगेज एंड वाटर। रगेज और वाटर भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट ही है जो हमारे फूड में होता है, जैसे कि आप लोग जब सलाद वगैरह खाते हैं तो सलाद से हमें क्या मिलता है, रगेज। रगेज हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। रगेज हेल्प करता है आपकी बॉडी से जो भी गंदे पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, वेस्ट पार्ट है, उसको रिमूव करने का काम करता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और स्टूल। जैसे कि रगेज इज द पार्ट ऑफ प्लांट विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, ठीक है। ये जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। इस ऐसे पार्ट को जो प्लांट का डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम रगेज। जैसे कि ग्रीन लैफी वेजिटेबल, फ्रूट एंड केरल्स आर द एग्जांपल ऑफ रगेज। दे कंटेन फाइबर विच इज़ नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, केरल्स हैं, इनके अंदर का रगेज होता है, ऐसा फाइबर होता है जो डाइजेस्ट नहीं होता है। सो ये एज ए रगेज का काम करता है हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी से गंदगी बाहर निकालने का काम करता है। वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है। नो आई नो वाला पॉइंट देखिएगा, आवर बॉडी कंटेन नियरली 3/4 अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। एक ह्यूमन बॉडी जो है वो कितने वाटर से मेड होती है, 3/4 वाटर का जो अमाउंट है वो जो हम सॉरी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 3/4 ऑफ अमाउंट वाटर से बनी हुई है। गेट इट, ओके। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट कंटेंट ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन सच एज अ फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स इन राइट क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिशन प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे ये दिख रही बैलेंस डाइट, अब इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी हैं, किरल्स भी हैं, मांस, मछली, मीट, एग्स,
ठीक है, और ये फैट वाले आइटम जैसे कि बटर, मिल्क, चीज़ सारे प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसी डाइट जिसके अंदर न्यूट्रिशंस एज ए फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स सारे राइट क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, द फूड वी ईट एवरी डे इज़ कॉल्ड अवर डाइट, ठीक है। जो फूड आप लोग रोज खाते हैं, जैसे कि आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, देन दोपहर में लंच करते हैं, एंड देन नाइट में आप डिनर करते हैं, तो वो हमारी क्या है, डाइट है। तो वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होनी चाहिए, उसमें प्रॉपर क्वांटिटी में सारा न्यूट्रिशन, सारे ऐसे सब्सटेंस होने चाहिए जो हमारी बॉडी को नरिश कर सकें, ठीक है। रगेज एंड वाटर ऑल्सो प्ले एन एसेंशियल रोल इन अ बैलेंस डाइट, ठीक है। तो रगेज और वाटर भी हमारी डाइट के एक एसेंशियल पार्ट है, जो वो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉपर वाटर ड्रिंक करना है, और रगेज को भी ऐसे यूज़ करना है, जैसे कि अगर आप ग्रीन लेफी वेजिटेबल हैं, सलाद हैं, फ्रूट्स हैं, वो जो आप डेली कंज्यूम कर सकते हैं एज ए, ठीक है। सी द एक्टिविटी द फॉलोइंग एज अ डायग्राम ऑफ अ बैलेंस डाइट, लेबल इट बाई यूजिंग योर नॉलेज, ठीक है। एक बैलेंस डाइट की आपको फिगर दिया गया है, अब आपको लेबल करना है अपने नॉलेज से, जिस आइटम को आप जानते हैं तो उसको लेबल कर दीजिए। जैसे कि फर्स्ट आइटम क्या है, ये ब्रेड, तो एज ए आपको यहाँ पे लेबल कर दीजिएगा कि ब्रेड लिख लेना है, ठीक है। तो वैसे पूरी एक्टिविटी आपको घर पे करनी है, ठीक है, इसको लेबल कर लीजिएगा। ओके, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।